मतलब तो आज मैं आया हूँ यार, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसे ब्लॉग में बताऊंगा कि बॉडी बिल्डर से आपका पूरा वो कराऊंगा। तो यार आज जिसके जिम में आया हूँ वो मिस्टर वर्ल्ड है, मतलब ऐसा वर्ल्ड कोई बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं है जो उन्हें ना जानता हो। हर जगह उनका नाम है, उनका नाम है शिव कुमार। तो आज मैं शिव कुमार उस गुरु जी से आपको मिलवाने वाला हूँ, उनसे आपका पूरा इंटरव्यू लूंगा, मैं उनसे आपको बताऊंगा बॉडी बिल्डर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो चालू करते हैं। तो भाई यही है शिव कुमार और गुरु जी, पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस यूट्यूबर है, सबसे अच्छी बॉडी है, सबसे फेमस बॉडी बिल्डर है ये। तो अब मैं इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा, आपको बताऊँगा क्या चीज़ कैसे बॉडी बिल्डिंग हो सकते, किस चीज़ से आप सेफ रह सकते हो, इंटरनेट की बॉडी बिल्डिंग छोड़ के इसलिए कोशिश होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते गुरु जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताएं कितने बार की चलते हैं? अब मैं आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा। अभी एक तो आपकी कैसी बॉडी बिल्डिंग, तो ये बॉडी बिल्डिंग तो मैं कितने बचपन से उसके बाद ऐसे करते करते फिर मैं जिमनास्टिक चालू किया जिमनास्टिक में। अच्छा, जिमनास्टिक स्टेडियम में जिमनास्टिक करने के बाद मैं कॉलेज आया तो वहाँ पहली बार बॉडी बिल्डिंग कमीशन लिखा मैंने, उसे देखकर मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला कि मैं इस कमीशन में फिर भी बड़े बड़ा खिलाड़ी शरीर स्वस्थ बना था, शरीर की सुंदरता कैसे होती है, ये बॉडी बिल्डिंग से ही पता चलता है कि आपकी शरीर कितना सुंदर स्वस्थ है। तो वही दौर से चालू हुई बॉडी बिल्डिंग और जब से हम तक कर ही रहे हैं 93 से। सर 93 से सर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और कौन कौन से टाइटल आपने जीते ऑल ओवर? तो मैं बॉडी बिल्डिंग चालू करके 93 से मैं गुरु जी में फ्री शुरुआत बना रहा हूँ, जब गुरु जी में किसी भी पार्टी में किसी भी पार्टी के चेयरमैन है और वो जो है, तो मैंने जीते 7 times मिस्टर इंडिया, 7 times मिस्टर इंडिया और 17 बार मिस्टर ऑल इंडिया रेलवे, 17 बार ऑल इंडिया रेलवे, 17 बार ऑल इंडिया रेलवे, और जो है 1 time मिस्टर एशिया, 1 time मिस्टर एशिया, 1 time मिस्टर वर्ल्ड। तो यार आप देख सकते हो कि देख तो सकते ही हो अभी ऑफ प्रैक्टिस है फिर भी बॉडी किस तरीके की हो रही है, जब इनकी वो होती है अभी लीडिंग में कटिंग में होता है भाई नेक्स्ट लेवल होता है। बाकी वो फोटोज वगैरह मैं डालूंगा आप देखना। ये अभी मिस्टर इंडिया जूनियर बने हैं भाई, तो भाई अपनी थोड़ी बॉडी दिखाएंगे, आप बॉडी देखो। तो भाई वैसे एक बात बताऊँ, बॉडी बिल्डिंग चालू पुरानी दिल्ली से ही है, ढंग से इंडिया के अंदर मिस्टर एशिया भाई ने मिस्टर एशिया बन रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आप देख सकते हो जो बंदा आ रहा है उसकी बॉडी नेक्स्ट लेवल है। आ जाओ आ रहे भाई, राजीव भाई, गुरुजी गुरुजी, भगवान क्या तो अपना आगे को थोड़ा शिव भगवान पहले बात करते हैं पहले यहां पर चलो। ओ बढ़िया बढ़िया बहुत चेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं को गुरु जी टैटू। अच्छा अच्छा, गुरु जी बोले भाई, बोले भाई, भाई क्लैपिंग करा।
भैया की मैं फैन फॉलोइंग में खाता हूं। और ये इसे जितने जीत के आइए तो बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत करते इस गेम में, बहुत मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे। बहुत 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 बात तानिया जी है, तो ये फिटनेस ट्रेनर भी हैं, इनके कोर्स कर रखे हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट मिस्टर दिल्ली चैंपियन बन चुके हैं पावरलिफ्टिंग में, तो बहुत टाइटल जीते हैं पावरलिफ्टिंग में, मिस्टर दिल्ली जीते हैं टाइटल। तो आगे आशा है कि आगे भारत का देश का जो है काफी अच्छा करेंगे, और हर जगह तैयारी में लग रहे हैं ये, तो आप नेक्स्ट टाइम जो जाएंगे एशियन चैंपियनशिप जाएंगे पावरलिफ्टिंग में, तो जोर तालियां बजाने के लिए। तो ये बच्चे हैं बड़े प्राइज दिल्ली से, ये सारे बहुत नई दिल्ली से भी आते हैं और मेहनत बच्चे आके तो देखते आई वो किसी अभी। अरे बोला भाई, बोला भाई, बोला भाई, बोला भाई, आ जाओ, आओ चलाओ, बोला भाई आ जाओ। अरे शुभम, शुभम बॉडी बिल्डिंग का गेम है वो, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेल का गेम है, मेल खेलते हैं। गुरु जी पहले बता दीजिए, उन्होंने गोल्ड मेडल भाई जो बॉडी बिल्डिंग गेम है ना वो इंटरनेट की नहीं है, आप इंटरनेट से पढ़ के मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन सकते, आपको एक कोच चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आप इधर जिम में आओ, आपको अपना एक कोच बनाओ जो आपको ढंग से गाइडेंस कर सके। इंटरनेट से आप बॉडी बिल्डिंग नहीं बन सकते हो, आप जो अपनी बॉडी में प्रॉब्लम ला सकते हो, तो इसीलिए कि आप कोई जिस भी जिम में जाओ आप कोच से जरूर पूछें, जो जिन्हें पूरी नॉलेज हो कि कौन सी कब कैसे क्या लेनी है। भाई देख रहे हो मूवमेंट का भाई बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आप नेट से देख लोगे मूवमेंट आपकी करेक्ट नहीं आएगी, तभी जिम में कोच से पूछ के ही आपको सारी काम करना होता है। भाई बस लाइट ही देख रहे हो आप क्या है, भाई गुरु जी का नाम है भाई, जिसको भी मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर इंडिया की जहाँ मर्जी तैयारी करके सीधा गुरु जी पे आ जाओ। भाई हम मूवमेंट का देख लो कितना फर्क है, जो हम करते हैं गलत मूवमेंट, यहाँ पे आओगे आपको परफेक्ट मूवमेंट कराएंगे। देखो आगे यार
और लेट के बाद ही फ्रेंच प्रेस। Choices you made, would you make them up? चलो भाई आपको लेग प्रेस दिखाते हैं कि लेग प्रेस की प्रॉपर मूवमेंट क्या है। भाई अपर साइड मसल के लिए होता है, अरे नाटी का मसल होती है साइड साइड मसल। तो यार आपको मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर दिल्ली, आपको कोई भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी हो, गुरुजी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप गुरुजी के पास आओ, गुरुजी पूरी तैयारी करेंगे। कौन सा मर्जी कॉम्पिटिशन हो, गुरुजी गोल्ड पक्का है भाई, है ना गुरुजी? तो बिल्कुल। तो आप आओ, बच्चों का पूरा मेहनत कराते हैं, पूरे हिसाब से कॉन्सेंट करते हैं कि उसको क्या जरूरत है, कैसे उसको डाइट का प्लान बनाना, कैसे वर्कआउट करना है। आजकल मिस्टर इंडिया बन रहा और जो मिस्टर इंडिया बना लोगों को खेल बन गया, और जो डेडिकेशन के साथ जो करते तैयारी, ये बॉडी बिल्डिंग के थ्रू इतना बड़ा गेम है, इसे आपकी नौकरी लग सकती है। और क्या कि लोग खेलते हैं जिससे जॉब नहीं लग पाती, तो वो नीचे तक नहीं जाते, ऊपर तक नहीं जा पाते। अगर आदमी ऊपर तक खेलने जाए तो उसमें नौकरी दूर दूर जिसकी सरकार को पैसे भी देती है, अगर अच्छा मेडल आता है या बोलो मेडल भी आता है। इसीलिए यही कहना है कि बॉडी बिल्डिंग के साथ दिमाग का काम कॉन्सेंट्रेट और डेडिकेशन चाहिए, बहुत करने के लिए बहुत करने के लिए मेन तो डाइट का रोल है। डाइट आदमी डाइट जो नब्बी सौ डाइट बोल रही है, उसके अलावा नहीं तो बॉडी के मतलब में फैट मसल पार्टी सब बॉडी खराब हो जाती है, डाइट का बहुत रोल है, मसल पार्टी बना देती है। तो भाई यही है बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स सर्वे, वो तो है ही, बट या तो गवर्नमेंट नौकरी तक में आपकी हेल्प करता है, और जो नेट वाली होती है डाइट चीज़ें वो भाई उस पर मत जाओ, वो सब फेक होती है, उससे आप अपनी बॉडी को तकलीफ भी पहुँचाओगे। इसलिए एक परफेक्ट गाइडेंस के लिए आपको एक गुरुजी, एक कोच होना बहुत ज़रूरी है। तो सीधा आप जिम में आओ, गुरुजी से कॉन्टैक्ट करो और अच्छी बॉडी बना के अच्छे लेवल तक बॉडी बिल्डिंग को लेके जाओ। नंबर